2000 कितने किलो का भार है तुम्हें शरीर में? 6 क्यों भारी है? इसकी बनावट देखो, खड़े हो खड़े हो खड़े खड़े, अरे आप भाई जरा आप भी देखो, सिलेंडर की गर्दन देखो, क्या देखा? कितना थिकनेस है इसका? कितना है? ज्यादा क्या मतलब यार, 4 mm, 5 mm, 10 mm कुछ तो होगा। 5 के आसपास होगा। अब इसकी देखो थिकनेस, उसकी कम है थिकनेस, उसकी तो है ही नहीं भाई, उसकी तो है ही नहीं, इसलिए हल्का है वो। अभी एलपीजी का सिलेंडर कैसा होता है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का रहता है। इससे भी इसके इसके आसपास का रहेगा, ये तो बहुत हैवी है। तो इसकी जब हाइड्रो टेस्ट करेंगे ना, तो इसमें 200-300 बार का प्रेशर देना पड़ेगा, वो ये वाला 30 पे हो जाएगा, 30-10 बार पे हो जाएगा, और इसमें दे देना फटके इसका पावर हो जाएगा। ओके, और सलवा के देखो, बैठो जरा देखो, इसमें चेक करो सबकी, इसीलिए इसके अंदर वजन ज़्यादा होता है, गैस कम रहती है लेकिन वजन ज़्यादा है। उसमें प्रेशर का गेज भी लगा होगा ना, ज्यादा ज्यादा प्रेशर का होगा वो कम प्रेशर झेल रहा होगा, उसमें प्रेशर ज्यादा होगा उस वाले में, मोटे वाले में। ये थिकनेस है भाई, इसमें तुम देखो ना, गेज लगा, इसमें गेज लगेगा ही नहीं, इतना प्रेशर झेल नहीं पाएगा, फट जाएगा। ये देखो इसके पाइप पे देखो क्या लिखा हुआ, 210 बार का जो आपका खाली पाइप है भैया, इसके अंदर प्रेशर सोचो कितना होगा, जब उसका 210 का दे रखा है, जरूर उसका प्रेशर कम होता होगा, वही इसको इसलिए दिया गया ना, उसके प्रेशर से ज्यादा इसका प्रेशर होना चाहिए। सोच के देखो, इसका इतना भारी बॉडी है तो इसमें प्रेशर कितना ज्यादा होगा, इसीलिए तो भारी है। कौन लेके आया था इसको? आपको लगा हो ना वहां से लाने, मैं नहीं याद आई हूँ, लेकिन बहुत अच्छे आपने किया, आप लेके आए इसको, बैठिए, समझिए सारा का सारा खेल थिकनेस का है भाई, क्या है थिकनेस का। हालांकि इसमें जो गैस है ना वो प्रेशर को उसमें लगाना नहीं, ये बलून जो है ना इतना इतना पास में आप याद हो जाता है, मतलब यहाँ से आप जो आप बुझा पाओगे वो यहाँ तक के आप बुझा पाओगे, क्योंकि इसका प्रेशर इतना ज्यादा है। करें वापस शुरू करें, तो इसका जो प्रेशर है सेफ्टी पिन को उसमें ऐसे सेफ्टी पिन होती थी, ऐसे निकालते थे वैसे मारते थे, इसमें सेफ्टी पिन अलग है, इसमें रेगुलेटर है पंखे की तरह, ऐसे कोलम है उसमें सिंगल डाइविंग वर्क करता था। हाँ, उसमें बहुत ही हल्की बॉडी होती थी भाई, ये तो बहुत भारी बॉडी है। इसमें क्यों है भारी बॉडी? क्योंकि उसमें हाई प्रेशर गैस को लिक्विडेट करके रखा गया है, वो क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं इनको, ठंडा करता है, तो इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं उसको। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है कि गैस से किसी भी उसको केमिकल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, गैस से लिक्विड फॉर्म में कर देता है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? जो गैस से लिक्विड फॉर्म में कर देता है, ठीक है, तो गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, इसमें 31 डिग्री का टेम्परेचर है अंदर, 31 डिग्री का टेम्परेचर जो कि गैस से लिक्विड में करके रखा हुआ है, लेकिन वो प्रेशर इतना ज़्यादा अप्लाई करते हैं उसको करने के लिए, जब ये प्रेशर अप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है? 200-300 bar तक का प्रेशर इसके अंदर है, अगर ये टूट जाए गलती से, ये टूट जाए तो क्या होगा? रॉकेट बन जाएगा, फिर मिसाइल हो जाएगा, पता ही नहीं करके, जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा फुला दिया, उसके बाद छोड़ दिया,
ऐसा था ये भी ऐसा हो जाता है क्यों इसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा दिखा लग रहा है दीवार दीवार सब कुछ फाड़ के पता लगा दूसरे की बिल्डिंग में घुस गया पता नहीं किसको फाड़ रहे थे इसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इसको डील हमेशा सावधानी के साथ करते हैं इसको ऐसी जगह पर प्लेस करते हैं जहाँ पर कि इसके गिरने के चांसेस कम हो जैसे अभी ऊपर रखा हुआ मेरा हाथ लग के गिर जाएगा तो क्या होगा ये उड़ जाएगा ये गिरेगा तो इसकी नोक टूटेगी सबसे पहले नोक टूटेगी नोक को बचाने के लिए हमने क्या किया है इसको नेक कैप दिया हुआ है ताकि डायरेक्ट इसके ऊपर प्रेशर ना आए तो ये प्रेशर बचाने के लिए होता है और ये देखो इसमें इसका जो प्रेशर है देखो इसमें भी लिखा हुआ नीचे 10 बार 15 बार 20 बार 25 बार देखो मैक्सिमम 28 बार का प्रेशर है लेकिन इसमें जो प्रेशर रहता है वो 10 से लेकर 15 बार के बीच का रहता है उसके ऊपर जब आप खोलोगे तो आपको 5 से 4 मीटर के आसपास का जैक मारेगा तो 10 फीट 12 फीट तक दूर खड़े होकर आप फायर कटिंग कर सकते हो लेकिन इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है लेकिन ये हॉर्न उसको दिया गया है कि इसका प्रेशर कम कर देगा हॉर्न जो डिस्चार्ज हॉर्न है वो प्रेशर इसका कम कर देगा तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने देखी फायर एक्सटिंग्विशर की तो सिलेंडर की कैप सिलेंडर की बॉडी बहुत इंपैक्ट करती हैं हर एक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के अंदर हर एक फायर फाइटिंग डिवाइस के अंदर है आप उसकी बॉडी देख के पहचान पाओगे कि इसके अंदर क्या है अभी इसके अंदर क्या है कौन सी गैस है CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें क्या है ये पाउडर है DCP टाइप जिसमें यह लगा होता है मतलब पाउडर है इसमें मोनो अमोनियम फास्फेट यूज करते हैं जो कि आग बुझाने का काम करता है आपके ऊपर प्रेशर करके आपको फायर फाइटिंग करने का काम करता है रेगुलेटर को कब चेंज करना चाहिए इसका 5 साल का है इसमें 5 साल इसमें 1 साल है एक साल तक वैलिड है 1 साल में जो हाइड्रोलिक टेस्टिंग करवाओ इसको 5 साल तक लिखा होता है सिलेंडर के ऊपर भी मिल जाएगा आपको घर वाला आपको ऑटोमेटिकली सरकार चेंज कर देती है उसके ऊपर लिखा भी रहता है कौन सी डेट में उसका वो होगा जब कुछ मेला मिलने की तभी ना वो थोड़ा सा मिला तभी क्योंकि वो जनरली यूज होता नहीं वो जनरली चलता ही रहता है तो बराबर तो उनके पास नहीं होते और जनरली कोशिश करो किचन से बाहर रखना है सिलेंडर को कभी भी किचन के अंदर नहीं रखना ठीक है डी क्लास में कुछ वो आती हैं जो कि ऐसी मेटल्स हैं जो कि जल सकती हैं या सेल्फ इग्निशन ले सकती हैं अपने आप जल सकती हैं स्वतः दहन हो जाए ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं एल्यूमिनियम मैग्नीशियम जिंक और फास्फोरस ये ऐसी कुछ मेटल्स हैं जो कि बहुत जल्दी जल जाते हैं इनके लिए स्पेशल पाउडर आते हैं ये कुछ काम नहीं कर पाएंगे उसके ऊपर तो उनका भी बात करेंगे क्या क्या उसके अंदर होता है यूज़ उसके बाद ई क्लास में क्या क्या था ई क्लास जैसे हमने बोला इलेक्ट्रिकल की फायर है लेकिन जब इलेक्ट्रिकल की फायर किसी चीज़ को जलाएगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल स्पार्क से अगर लकड़ी में आग लगी तो कौन सी प्लाज बनेगी तेल में आग लगेगी तो और गैस में आग लगेगी तो मेटल में लगेगी तो डी तो ये इग्निशन सोर्स है जो आपको जलाने का काम करता है उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर्स कितने टाइप के फायर